नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जहाजपुर में हुई पत्थरबाजी के विरोध में महापड़ाव का आह्वान। जहाजपुर कस्बे में जल झूलनी एकादशी पर किले के मंदिर से आ रहे भगवान पीतांबर राय के बेवान पर एक पक्ष के लोगों द्वारा जामा मस्जिद से की पथराव के बाद उपजे विवाद के बाद अब भी भगवान का बेवान कल्याण जी के मंदिर में रखा हुआ है। वही समग्र हिंदू समाज व पीतांबर श्याम संघर्ष समिति ने प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए 1 अक्टूबर को जहाजपुर कस्बे में महापड़ाव का आह्वान किया है। नगर सहित क्षेत्र के गाँवों में घर घर जाकर महापड़ाव में आने के लिए पीले चावल देकर निमंत्रण दिया जा रहा है। 1 अक्टूबर से बदलेगा स्कूलों का समय, अभी साफ नहीं। 1 अक्टूबर से सरकारी विद्यालयों का समय बदल जाता है। स्कूल सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुलते हैं, लेकिन इस बार समय बदलने पर संशय बना हुआ है। इसकी वजह मौसम में बनी हुई गर्माहट को माना जा रहा है। कई शिक्षक संगठन भी मांग कर रहे हैं कि स्कूलों का समय 15 अक्टूबर के बाद बदला जाए। अभी तक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, लेकिन 30 सितंबर को इस पर फैसला होने की उम्मीद है। राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक में शामिल हुए किरोड़ी लाल मीणा। राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक में रविवार को किरोड़ी लाल मीणा शामिल हुए, जो चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जून महीने में ही अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इससे पहले राजस्थान सरकार द्वारा बुलाई गई कैबिनेट बैठक में वे शामिल नहीं हुए थे। अब सरकार की कैबिनेट बैठक में शामिल होने के बाद उनके सरकार में बने रहने या न रहने को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। चतुर्थ श्रेणी ड्राइवर भर्ती के लिए होगा रिटन एग्जाम राजस्थान में। अब चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड यह परीक्षाएं करवाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। पहले न्यूनतम योग्यता 8वीं पास थी। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रदेश में 60,000 चतुर्थ श्रेणी और 23,000 ड्राइवर के पद खाली हैं। 11 दिन में लेपर्ड ने 7 लोगों को मारा। उदयपुर में लेपर्ड ने 11 दिन में 7 लायकों का शिकार कर लिया है। रविवार देर रात गोगुंदा इलाके में लेपर्ड ने मंदिर के पुजारी को मार डाला। लेपर्ड पुजारी के एक हाथ, गर्दन और छाती के हिस्से को खा गया। पुजारी का शव मंदिर से 150 मीटर दूर जंगल में मिला। अब तक उदयपुर में लेपर्ड के हमले में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बाड़मेर में 1 अक्टूबर से बदलेगा ओपीडी का समय। बाड़मेर और बालोतरा जिले में कल यानी मंगलवार से सरकारी हॉस्पिटल में ओपीडी का समय बदल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सहित डिस्पेंसरी में ओपीडी 1 घंटे लेट सुबह 8 की बजाय 9 से शुरू होगी। वहीं दोपहर 3 बजे तक डॉक्टर मरीजों को देखेंगे। इसके अलावा सरकारी छुट्टी वाले दिन केवल 2 घंटे की ही ओपीडी रहेगी। हॉस्पिटल प्रशासन के मुताबिक शीतकालीन सत्र के शुरू होने से 1 अक्टूबर से 30 मार्च तक अस्पताल की ओपीडी का समय 1 घंटा बाद यानी 8 बजे की बजाय 9 बजे कर दिया गया है। कल से सरिस्का में कर सकेंगे टाइगर सफारी। टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट सरिस्का 1 अक्टूबर से ओपन हो जाएगा। पहले दिन मंगलवार को सुबह 6 बजे से टूरिस्ट सफारी पर निकल सकेंगे। रोजाना 2 पारियों में सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। अभी कुल 5 जोन हैं, जिन पर सफारी के रूट हैं। आगे टाइगर कंजर्वेशन प्लान में नए रूट अप्रूवल के बाद बढ़ाए जा सकते हैं। इस बार अच्छी बारिश होने से सरिस्का में जंगल की खूबसूरती बढ़ गई है। जंगल घना है और घास भी बड़ी है, जिसके कारण टाइगर की साइटिंग लुका छिपी की तरह होगी। हालांकि वायंटर हॉल के आसपास अच्छे से देख सकेंगे। वैसे इस बार पानी की भी अधिकता है। कैबिनेट मीटिंग में उठा 17 नए जिलों का मुद्दा। राजस्थान में पूर्ववर्ती गहलोत। सरकार के बनाए 17 नए जिले भजनलाल सरकार की गले की फांस बने हुए हैं। सरकार अभी तक इन नए जिलों को लेकर निर्णय नहीं ले पा रही है। रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में नए जिलों पर भी फैसला करने को लेकर मंत्रियों ने सीएम से चर्चा की। तबादलों पर से भी प्रतिबंध हटाने की मांग भी उठाई गई। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि तबादले खोले जाने चाहिए। अन्य मंत्रियों ने भी किरोड़ी की हां में हां मिलाई। मीणा ने जमीन आवंटन को लेकर भी सवाल उठाए। राजस्थान में खत्म होगा बजरी संकट। बजरी खानों की राज्य स्तर पर ही पर्यावरण स्वीकृति जारी हो सके, इसके लिए राज्य सरकार 100 हेक्टेयर तक की बजरी खानों की नीलामी बड़े स्तर पर करने की तैयारी में जुट गई है। खान विभाग ने बजरी खानों की नीलामी के लिए प्लाट टोंक, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, पाली, बालोतरा, जोधपुर, शाहपुरा जिलों में चिन्हित किए हैं, जो बनास व अन्य सहायक नदियों में हैं। इन प्लाटों की नीलामी के बाद खनन शुरू होने से जयपुर सहित आसपास के जिलों में बजरी किल्लत कम होगी। वहीं वैध बजरी मिलने से अवैध बजरी पर भी रोक लग सकेगी।
राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर अपडेट। राजस्थान में लंबे समय से तबादलों से प्रतिबंध हटने का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को कैबिनेट मीटिंग से भी राहत नहीं मिली। सरकारी टीचरों सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों को आस थी कि कैबिनेट मीटिंग में तबादलों से प्रतिबंध हटाने पर निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन सरकार ने अभी स्थिति साफ नहीं की है कि आखिर राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से बैन कब हटेगा। लगातार दूसरे दिन बंद रहे केकड़ी के बाजार। केकड़ी जिले को यथावत बनाए रखने की मांग को लेकर बार एसोसिएशन के आह्वान पर रविवार को शहर के बाजार लगातार दूसरे दिन भी बंद रहे। बार एसोसिएशन द्वारा बुलाए गए बंद को शहरवासियों को समर्थन मिला। बार एसोसिएशन अध्यक्ष रामावतार मीणा ने बताया कि सोमवार को भी प्रदर्शन जारी रहेगा। चूहों की वजह से जयपुर में जाम। शहर में एक इलाके में चूहों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि सोमवार को राजधानी के प्रमुख मार्ग टोंक रोड सहित कई मार्गों पर जाम की स्थिति हो गई है। वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। दरअसल मामला ये है कि जयपुर के रामनिवास बाग में पिछले लंबे समय से चूहों का आतंक हो रखा है। यहां काफी संख्या में चूहे हो गए। रामनिवास बाग को 30 सितंबर व 1 अक्टूबर तक के लिए बंद कर दिया है। विधायक ने ऐतिहासिक छतरी के पुनर्निर्माण की बात की। लाड़पुरा से भाजपा विधायक कल्पना देवी ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पत्र लिखकर राव सूरजमलजी हाड़ा की रियासतकालीन छतरी का पुनर्निर्माण करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम राव श्री सूरजमल हाड़ा के नाम रखने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि 20 सितंबर को बूंदी जिले के तुलसी गांव में स्थापित बूंदी नरेश राव सूरजमलजी हाड़ा की 500 साल पुरानी रियासत कालीन छतरी को कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा लापरवाह व गैर जिम्मेदार तरीके से व्यस्त किया।